हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वेता रसोई घर। तो आज लेके आई हूँ ठंड की स्पेशल रेसिपी एंड बिहारी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए ले लिया है मैंने यहाँ पे बथुआ का साग, और ये बथुआ साग मेन है इस रेसिपी में। तो यहाँ पे मैंने ताजी बथुआ साग लिया था, उसके बाद इसे मैंने मोटा जो डंडल था उसे मैंने निकाल के कट कर लिया है एंड अच्छे से वॉश भी कर लिया। और इसके साथ जो दाल बनाऊंगी वो है रहर दाल एंड मसूर दाल, और इसके साथ जो ऐड करूंगी वो है लहसुन, धनिया पत्ता एंड हरी मिर्च बहुत ज़्यादा। एकदम तीखा वाला दाल बनाना है। यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया प्रेशर कुकर, उसमें मैं रख रही हूँ साग। एंड साग को ना थोड़ी मोटी भी काट सकते हैं, क्योंकि ये कुकर में देने पे ना बहुत इजी से गल जाती है, इसलिए मोटा साग भी आप काट सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने दाल ऐड कर दिया है, फिर इसमें हरी मिर्च, लहसुन एंड धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। और हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऐड किया है, क्योंकि दाल थोड़ा तीखा मुझे ज़्यादा पसंद है, और अपने अकॉर्डिंग आप तीखा मिर्च ऐड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पानी, दाल एंड साग के अनुसार पानी ऐड किया है। पानी ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग बस नमक ऐड किया है। इसके बाद इसे कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पे मैंने मिक्स भी अच्छे से कर लिया। उसके बाद इसे मैं पैक कर दूंगी। दाल तो बहुत सारी बनाई जाती है एंड डेली के रूटीन में तो नॉर्मल दाल हमेशा रहती है, और अभी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में ये बथुआ साग दाल स्पेशल बनाई जाती है, और बथुआ जो साग है ना वो इसी मौसम में मिलती है। तो इसे मैं 4 सीटी बजने तक पहले हाई फ्लेम पे पका लेना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, तो दाल बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से गल गई है एंड साग भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है। तो आप भी सेम प्रोसेस करें तो दाल बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है दाल घटनी, जिससे दाल मैं घाटूंगी, और इस तरह से दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दाल तो पहले ही गल चुकी थी, उसे मैंने अच्छे से और भी मिक्स कर लिया है एंड ये चावल रोटी दोनों के साथ परफेक्ट लगती है। तो इसे आप सीजन वाली दाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो दाल के अकॉर्डिंग ही पानी ऐड करें, तो थोड़ा ये गाढ़ा दाल रहता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी थोड़ा गाढ़ा ही रखें इसे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा है, तो अब इसमें तड़का लगाऊंगी, तो दाल भी मेरी परफेक्ट हो गई है। तो सेम आप लोग प्रोसेस करें तो दाल बहुत ही बेस्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर ली है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा, सूखी लाल मिर्च एंड लहसुन। बथुआ की दाल जब भी फ्राई कर रहे हो ना तो तीनों चीज़ों से करें, दाल बेस्ट फ्राई होंगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है गैस चूल्हे पे कलछुल। उसके बाद इसमें मैंने रख लिया है सरसों तेल, और दाल को सरसों तेल में ही छौंके, एकदम बिहारी स्टाइल देसी स्टाइल में दाल छौंके, इसका स्वाद देखिएगा एक अलग सा ही आएगा। तो आप भी सेम प्रोसेस जरूर करें, मैं बार बार कर रही हूँ सेम प्रोसेस करें दाल बनाने समय। तो यहाँ पे अच्छे से तड़का जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं दाल में लगाऊंगी। तो इस तरह से लेके उसके ऊपर प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है ना वो रख दे, वरना दाल छिलक जाएगी। और ये कवर करने से, दाल छोंकने से ना इसका जो खुशबू होता है वो अंदर में ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, तो दाल एकदम रेडी है। तो लीजिए रेडी हो गई है बथुआ की दाल, और अभी ठंड वाली स्पेशल रेसिपी है, आप लोग जरूर बनाइए। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब। बाय।